हे गाइस, कैसे आप लोग। मैं हूं शुभम और आप देख रहे हैं ड्रीम इलेवन प्लेइंग इलेवन का यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम स्पेशली बात करेंगे ड्रीम इलेवन और प्लस पॉट की कंपैरिजन की। देखेंगे दोनों ही साइट आपसे कितना क्या कमीशन चार्ज करती हैं, विड्रॉल में क्या दिक्कतें आती हैं, इसके अलावा और भी बहुत चीज़ें हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो अगर आप प्लस पॉट के यूज़र हैं या ड्रीम इलेवन के यूज़र हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको इस वीडियो के एंड में पता चल जाएगा कि कौन सी जो साइट है वो आपके लिए ज़्यादा बेटर है, कहाँ से आपके पैसे का रिटर्न ज़्यादा हो सकता है, वो सब हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं वीडियो की। सबसे पहले बात करेंगे कमीशन की। ड्रीम इलेवन की बात करें तो ड्रीम इलेवन आपसे सिर्फ 13% का यहां पर कमीशन लेता है। वहीं अगर आप बात करो प्लेयर स्पॉट की तो आपसे लीग्स पे 18% तक का कमीशन लिया जाता है, जो कि बहुत ज्यादा है। यानी कि अगर आप बोलो कंपेयर करो ड्रीम इलेवन और प्लेयर स्पॉट को, तो आप देखोगे ड्रीम इलेवन का जो कमीशन है उसमें 50% और ज्यादा लगाकर प्लेयर स्पॉट आपको यहां पर लूट रहा है। क्योंकि अगर आप देखो यहां पर कंपेयर भी कर सकते हो लीग्स को, मैंने खुद कैलकुलेशन करके परसेंटेजेस निकाले हुए, मैंने यहां पर हेड टू हेड के कुछ मैचेस देखे हैं जिसमें यहां पर आपको देखने को मिलेगा ड्रीम इलेवन के जो यहां पर लीग्स हैं जैसे 5750 की है तो उसमें आपको 10,000 रुपये मिलते हैं, जिसमें ड्रीम इलेवन आपसे 13% चार्ज करती है, नॉमिनल चार्ज है और बाकी साइड इससे ज्यादा ही करती है, बट प्लेयर स्पॉट बहुत ज्यादा कर रही है। 18% का चार्ज यहां पर आपको लगाती है, लगभग 50% ज्यादा है ड्रीम इलेवन से और वो बहुत ज्यादा है। 18% बहुत ही ज्यादा है। बहुत ज्यादा साइट्स हैं ऐसी जो 15% में भी आपको खिलाती है, ड्रीम इलेवन आपको 13% में खिलाती है। तो मेरे हिसाब से अगर आप कंपेयर करो कमीशन बेसिस पे तो ड्रीम इलेवन से बेटर साइट आज की डेट में कोई भी नहीं है। तो प्लस स्पॉट पे कम ही इन्वेस्ट करो तो ज्यादा बेटर आपके लिए रहेगा। विड्रॉल की बात करें तो आपको जो ड्रीम इलेवन है वो विड्रॉल बहुत ज्यादा देती है। यानी कि अगर आपने 2 लाख रुपए विन करें, 10 लाख रुपए विन करें, आप मैक्सिमम पर डे 2 लाख रुपए तक निकाल सकते हो। बहुत ज्यादा लिमिट है और ये चीज प्लस स्पॉट में नहीं है। यानी कि अगर आपने यहां पर ज्यादा पैसा फंसा दिया तो आप निकालते रह जाओगे सालों साल। आपको बता दूं कैसे। सबसे पहले तो बात करते हैं पेटीएम विड्रॉल की। ये आपको 3 टाइप से विड्रॉल देते हैं। एक तो पेटीएम विड्रॉल देते हैं, प्लस स्पॉट पे आपने कई बार किया होगा। इसके अलावा बैंक विड्रॉल देते हैं और एक इंस्टेंट विड्रॉल देते हैं। बैंक विड्रॉल में आपकी जो लिमिट है वो 5,000 रुपये, यानी कि आप कितनी भी बड़ी लीग जीत लो आप 5,000 रुपये से ज़्यादा नहीं निकाल पाओगे। और जब तक ये ट्रांजेक्शन आपका पूरा नहीं होगा 5,000 रुपये का, आप दूसरा ट्रांजेक्शन नहीं डाल पाओगे। यानी कि एक बार में मैक्सिमम विड्रॉल लिमिट बैंक से 5,000 की है प्लस स्पॉट की, और वो भी अगर आपका क्लियर होता है तब आप दूसरा यहाँ पर ट्रांजेक्शन डाल पाओगे। यानी कि मैंने जो ऑब्जर्व किया है, मुझे बैंक से विड्रॉल लेने में प्लस स्पॉट से 3 से 4 दिन लगते हैं। ठीक है, तो 3 दिन अगर मान के चलो तो हर 3 दिन में आप 5,000 का विड्रॉल डाल सकते हो, बट उसमें बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है बैंक विड्रॉल में। यानी कि अगर आपने एक बड़ा अमाउंट विन करा है तो आप उसको हो सकता है कि हफ्ते, 2 हफ्ते या फिर जितना बड़ा अमाउंट होगा उतना टाइम आपको यहां पर लग सकता है। तो 3 से 4 दिन में आपका बैंक विड्रॉल होता है। पेटीएम विड्रॉल बहुत ज्यादा जल्दी होता है, बट सबसे बड़ी बात, आप 1,999 रुपये से ज्यादा 1 दिन में नहीं निकाल सकते 24 घंटे में। ठीक है, अगर आप 1,999 रुपये से ज्यादा का ट्रांजेक्शन करोगे तो आपको 1.5% यहां पर चार्ज कर लिया जाता है। यानी कि अननेसेसरी चार्ज है और ये आपसे ले लिया जाता है। ठीक है, तो प्लस स्पॉट पहले 18% पे आपको खिलाती है, वो उसमें ज्यादा कमीशन चार्ज कर रही है। फिर अगर आप अपना ही पैसा निकालते हो 1,999 से ज्यादा तो भी आपको 1.5% तक चार्ज करती है। और इसके अलावा इंस्टेंट विड्रॉल की बात करो तो उस पर भी यहां पर आपको चार्ज देना पड़ता है 2% तक का। उसमें मैक्सिमम लिमिट 5,000 रुपये तक की आपको तुरंत मिलते हैं, बट 2% आपको वहां भी प्लस स्पॉट लूट लेती है। तो प्लस स्पॉट का विड्रॉल उतना अच्छा नहीं है और एक्स्ट्रा चार्जेस हैं 2%, 1.5% आपको देखने में कम लगता है, बट धीरे धीरे करके आपको यहां पर लूट ले लिया जाता है। ठीक है, और ड्रीम इलेवन की बात की तो ऐसा कोई भी चार्ज ड्रीम इलेवन आप पे नहीं लगाती है। 2 लाख रुपए तक आप आराम से पर डे में निकाल सकते हो। तो गाइस, जब भी आप बड़ा डिपॉजिट यहाँ पर करो तो इस चीज़ का ध्यान रखना कि उस पैसे को आप जल्दी नहीं निकाल पाओगे। अगर आप में पेशेंस से 1-2 महीने तक रोक सकते हो तो ही आप यहाँ पर बड़ा डिपॉजिट करना। बाकी ड्रीम इलेवन बेस्ट है विड्रॉल के मामले में। लाइनअप की बात करें तो आपको बता दूँ प्लस स्पॉट पर कोई भी लाइनअप नहीं आता, यानी कि आपको पता नहीं चलता कौन सा प्लेयर खेल रहा कौन सा नहीं खेल रहा। जबकि ड्रीम इलेवन की बात करें तो यहाँ पर लाइनअप आ जाता है और आपको बिल्कुल प्योर इंडिकेशन हो जाता है, यानी कि ग्रीन लाइट यहाँ पर जल जाती है जो प्लेयर खेल रहा होता है, और जो नहीं खेलता उस पर रेड लाइट जल जाती है। यानी कि आपका अगर प्लेयर नहीं खेलता तो आपको बता दिया जाएगा कि उस पर रेड लाइट ब्लिंक हो जाएगी और आपको पता चल जाएगा कि वो प्लेयर नहीं खेल रहा है। तो इस मामले में भी ड्रीम इलेवन कन्वीनियंट है, कम आपसे कमीशन चार्ज कर रही है, विड्रॉ भी अच्छा दे रही है और इसके अलावा आपको गाइडेंस वगैरह, लाइनअप वगैरह सब कुछ यहाँ पर प्रोवाइड करती है। इनका एक फैंटेसी का चैनल भी है, मैं आपको बता दूं यहाँ पर एप्लीकेशन है वो फैन कोड करके, उस पर मेरे ब्लॉग्स भी डलते हैं तो आप उसको भी चेकआउट कर सकते हो, वहां पर भी आपको प्रेडिक्शंस वगैरह मिलते हैं। तो एक अपना खुद का प्रेडिक्शन हब है इनके पास। बात करें प्लेयर इन्फो की तो यहाँ पर आप जब भी कोई लीग खेलते हो तो ड्रीम इलेवन में आप अपना पार्टनर देख सकते हो।
यानी कि जिससे आप खेलने वाले हो, अपना अपोनेंट आप यहाँ पर देख सकते हो जिसके साथ आप मैच खेलोगे, उसके परफॉर्मेंस को कंपेयर कर सकते हो अपने परफॉर्मेंस से, ठीक है। वहीं बात करें प्ले स्पॉट में, तो आप ज़्यादा कुछ कंपेयर नहीं कर पाते हो, आप जब लीग ज्वाइन करते हो उसके बाद ही प्लेयर को देख पाते हो, ठीक है। मैं आपको बता दूँ, बिना लीग ज्वाइन करे आप यहाँ पर प्लेयर को नहीं देख पाते, एक डिसएडवांटेज है प्ले स्पॉट में, जबकि आप ड्रीम इलेवन पर अपना अपोनेंट खुद चूज कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि सामने वाला आपसे कमजोर है तो आप उसको चूज कर लो, बट प्ले स्पॉट में ऐसा नहीं है, आपको पहले चूज करना पड़ेगा, उसके बाद उसकी परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी। परफॉर्मेंस में भी आपको सिर्फ ये पता चलेगा उसने कितने मैचेस खेले हैं और कितने मैचेस विन करे हैं, ठीक है। तो ये हो गई एक और बात। फ्री एंट्रीज की बात करें तो ड्रीम इलेवन आपको बहुत ज्यादा फ्री एंट्रीज देता है, कभी कभी तो यहाँ पर 50 रुपीज तक का बिल्कुल फ्री ज्वाइनिंग है। इसके अलावा 5,750 पे 500 का कूपन मिलता है, कभी 100 रुपए का कूपन मिलता है, कभी 1,000 रुपए का कूपन मिलता है। तो ड्रीम इलेवन आपको ये चीजें भी देती है जो कि आपको प्ले स्पॉट नहीं देती है। तो ये बहुत सारी हमने यहाँ पर बातें कर ली। लास्ट में मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि प्ले स्पॉट पे आप इन्वेस्ट तो कर सकते हो, बट बहुत ज्यादा आपको हाई चार्ज करता है जो कि आपको ड्रीम इलेवन नहीं करता। और साथ ही साथ अगर आपने कोई बड़ा अमाउंट विन भी कर लिया तो आप इजीली उसको निकाल नहीं पाओगे, आपको 1.5% एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ेगा, 2% तक एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ेगा अपने ही पैसे को निकालने के लिए, और उसमें भी यहाँ पर 3 से 4 दिन तक लग जाते हैं। यानी कि प्ले स्पॉट ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने के लिए साइट नहीं है, आपको खेलना है। अगर आप बहुत टाइम से खेलते हो तो खेल सकते हो, बट फिर भी मैंने जो एनालिसिस किया उसके हिसाब से ड्रीम इलेवन से ज्यादा बेटर साइट कोई भी अभी फिलहाल नहीं है, खास करके प्ले स्पॉट तो बिल्कुल नहीं है। और प्ले स्पॉट टाइम टू टाइम आपको ट्रैप करने के लिए कुछ बड़े ऑफर चलाती है, जैसे कि अभी आपने देखा होगा 51,000 का ये डिपॉजिट ले रहा है, अगर आपने 51,000 डिपॉजिट कर दिए तो आपके ये पैसे कम से कम 1-2 महीने के लिए ब्लॉक हो जाएंगे, ठीक है। तो आपको बिल्कुल 51,000 का डिपॉजिट यहाँ पर नहीं करना है, 9,000-10,000 ऐसे बड़े डिपॉजिट आपको यहाँ पर नहीं करने, बिकॉज इनको निकालने में ही आपको 2-3 महीने तक लग सकते हैं, अगर आपने विन कर लिया तो। अगर विन नहीं किया तो फिर तो ये पैसे गए, 18% का आपको कमीशन भी देना पड़ रहा है, तो आपको ज्यादा एडवांटेज नहीं है। आपको जो प्रॉफिट मिलता है वो प्रॉफिट मार्जिन बहुत ज्यादा कम यहाँ पर मिलता है, तो मेरे हिसाब से आपको इसको ज्वाइन नहीं करना चाहिए। बात करें यहाँ पर 51,000 की ऑफर की, तो उसको भी थोड़ा देख लेते हैं क्या वो ऑफर है और कैसे आपको उसमें रखा जा रहा है, यहाँ पर आपके पैसे कैसे ब्लॉक कराए जा रहे हैं वो भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। सो गाइस, यहाँ पर प्ले स्पॉट एक ऑफर लेकर आई है जो कि बहुत ही मतलब अच्छा ऑफर नहीं है, और क्यों ऑफर अच्छा नहीं है मैं आपको बिल्कुल समझा देता हूँ। सबसे पहले तो 51,000 का ये आपसे डिपॉजिट करवा लेंगे, अगर आपने इतना बड़ा डिपॉजिट कर दिया तो फिर आप बाउंड हो जाएगा यहाँ पर खेलने के लिए, यानी कि फिर आप और कहीं नहीं खेलोगे, ठीक है। आप यहाँ पर खेलोगे तो फिर आप इनका कमीशन भरोगे, 18% का ये कमीशन जो चार्ज करते हैं उस पर आप जब इसको भरोगे, यानी कि 51,000 पे 9,271 तो इनके हो गए, बिकॉज आप बिना खेले ये पैसा निकाल नहीं पाओगे और खेलने के लिए आपको कमीशन देना पड़ेगा, तो ये पैसा तो डायरेक्ट इनका हो गया। उसके बाद ये आपको क्या ऑफर दे रहा है, 51,000 यहाँ पर आप जमा करोगे तो आपको जितनी भी आपकी टीम्स विन करेंगे उस पर 350 रुपए तक मिलेंगे, ठीक है। आपकी फेवरेट टीम पे 51,000 में हर टीम पर आपको 350 रुपए पर मैच मिलेंगे, ठीक है, जो भी टीम विन करती है, उसमें सारी टीमें आपकी इंक्लूड हो जाती है, ठीक है। तो 45 मैचेस टोटल है, सेमीफाइनल्स इंक्लूड नहीं करेंगे, फाइनल्स इंक्लूड नहीं करेंगे, ऐसा इन्होंने कोट किया है, आपने शायद पूरा पढ़ा नहीं होगा। 48 में से 45 मैचेस में आपको कैशबैक मिलेगा, और उसमें भी आपको पता है कि यहाँ पर इंग्लैंड का जो वेदर है वो उतना अच्छा नहीं है, तो हो सकता है 2-3 मैच या 4-5 मैच एबंडेंट भी हो जाए, तो मान के चलो कि 40 मैच के आसपास यहां पर आपको मिलेगा बोनस, ठीक है। 45 में से 40 हो गए, ठीक है। अब इसमें 350 का मल्टीप्लाई करो, मैंने 45 का मल्टीप्लाई करा तो 15,750 बन रहा है, बट अगर आप इसमें 40 का मल्टीप्लाई करो बस कुछ मैचेस तो एबंडेंट होंगे ही होंगे, टाई मैचेस का ही आपको पैसा नहीं देंगे, तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिस पर आपको यहां पर ठगा जा सकता है, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो आपके पास लगभग 14,000 के आसपास बोनस आएगा, ठीक है। 9,000 तो इनके पहले हो गए थे, फिर आपको 14,000 बोनस इन्होंने दे दिया, ठीक है, ठीक है। बहुत बढ़िया, इन्होंने बोनस दिया, अपने से ज्यादा दिया, बट अब इस बोनस से भी आपको टैक्स लगेगा, यानी कि ये तो आप निकाल नहीं पाओगे। 30 दिन में अगर आपने नहीं निकाला तो ये भी आपका डिलीट हो जाएगा, यानी कि एक्सपायर हो जाएगा, ठीक है। तो अब इस पर भी अगर आपको कमीशन लगाया जाए तो 2,863 का कमीशन लगेगा। टोटल आपने यहां पर खर्च कर दिए 12,134 रुपए, और यहां पर आपको इन्होंने दिए थे 15 या फिर लगभग 14,000 के आसपास, ठीक है। तो इनका इसमें क्या प्रॉफिट है, इनका इसमें प्रॉफिट ये है कि आपका पैसा फंस गया, आप एक बार इनके कस्टमर बन गए, और जब भी आप यहां पर विन करोगे आप फिर से खेलोगे। अभी तो ये पहली प्रोसेस का पैसा, यानी कि एक बार जब आपने डिपॉजिट करा आपने पहली बार खेला, जब आप विन करोगे तो आप फिर से खेलोगे तो फिर से 18% दोगे, तो फिर ये पैसा डबल हो जाएगा, ठीक है। तो अब इनका प्रॉफिट यहां से चालू हो जाएगा, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि ये आपको सिर्फ फंसा रहे हैं। आपको प्ले स्पॉट पे 51,000 का डिपॉजिट नहीं करना है, बहुत बड़ा अमाउंट है, 1-2 हजार का करना है तो करो, एंटरटेनमेंट के लिए खेलना है तो खेलो, पर प्रॉफिट आपको वहां पर नहीं मिलेगा। ड्रीम इलेवन पे हमारी टीम डेली ग्रैंड लीग विन कर रही है, अगर आपको बिलीव नहीं होता तो आप जाकर 2-3 मैचेस का वीडियो देख सकते हो, टेलीग्राम पे हम पोस्ट करते हैं स्क्रीनशॉट वगैरह भी, हमारे सारे यूजर अच्छा खासा विन कर रहे, तो ड्रीम इलेवन सबसे जस्टिफाइड
बाइंग साइट है, आप वहीं पर खेलो तो ज़्यादा बेटर रहेगा। प्लस पॉट पे अपना पैसा मत फंसाना, अगर आप ऐसा करते हो तो फिर आपको मैं सारी चीज़ें बता चुका हूँ तो आप ही का इसमें नुकसान है। तो सबसे बेटर साइट यहाँ पर ड्रीम इलेवन साबित होती है। अभी फिलहाल के इतना ही, आगे मैं आपको और चीज़ें भी बताता रहूँगा। जो भी साइट ज़्यादा चार्ज करेंगे उन पर हमें खेलना छोड़ना पड़ेगा, अगर आप खेलना नहीं छोड़ोगे तो वो यहाँ पर कमीशन कम नहीं करेंगे। अगर आप खेलना छोड़ दोगे, अगर आप इस वर्ल्ड कप नहीं खेलते प्लस पॉट पे, तो प्लस पॉट को 18% से 13% पे आना पड़ेगा और ये हमारी फैमिली आराम से कर सकती है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए, अपना घाटा मत कराइए, ड्रीम इलेवन पे खेलिए और प्लस पॉट पे थोड़ा खेलना कम कीजिए और मेरे हिसाब से वर्ल्ड कप नहीं खेले। अगर वर्ल्ड कप नहीं खेलेंगे तो मेरे हिसाब से वर्ल्ड कप के बाद तक यहाँ पर 13% तक यहाँ पर कमीशन आ जाएगी और उनको ये पता चल जाएगा कि यूजर्स को भी ये चीज़ें पता चलती हैं, ठीक है। तो इसके लिए मैंने आपका वीडियो बनाया था, अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करना, जो बंदे हमारे प्लस पॉट खेलते हैं उनको फॉरवर्ड करना, उनके साथ शेयर जरूर करना। वो बहुत मेहनत लगती है सब इकट्ठा करने में, तो एक लाइक जरूर छोड़ना और चैनल को सब्सक्राइब करके जाना ताकि आपको ऐसी चीजें पता चलती रहे। तो गाइस इतना ही, ओके गाइस बाय।